वेलकम बैक फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स बायोलॉजी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूरिन का फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूरिन कैसे फॉर्म होता है और इस ट्यूब्यूल का फंक्शन कैसे फंक्शन करता है, तो उसके कॉन्सेप्ट के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल है और यहाँ पर रीनल आर्टेरियोल और ये रीनल वेन, यहाँ से पीसीटी का पार्ट एंड देन लूप ऑफ हेनले एंड देन यहाँ पे डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट। तो सारे कंपोनेंट वन बाय वन करके पढ़ेंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ में, और ये देखें कहाँ पे क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, प्रीवियस वीडियो में बात हो चुकी है कि एक किडनी में नियर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन पाया जाता है। और अब बात करते हैं यूरिन जो फॉर्मेशन होता है, ये यूरिन फॉर्मेशन के लिए तीन स्टेप्स, मेन तीन स्टेप्स होते हैं इसके। एक तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा होता है सेक्रीशन, जो कि वन बाय वन करके अभी हम बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि एक किडनी की बात करते हैं, जो एक किडनी, दोनों किडनी जो होती हैं, दोनों किडनी की बात करें, ये 1100 से 1200 ml फिल्टर्ड ब्लड फिल्टर्ड करती हैं पर मिनट। कितना है? 1100 से 1200 ml को किडनी जो होती हैं ये पर मिनट फिल्टर कर देती हैं, इतना ml। मतलब अगर हम एक एवरेज बात करें, रफली डेटा की बात करें, तो ये वन बाई फिफ्थ पार्ट ऑफ द ब्लड जो कि वेंट्रिकल से पंप होता है, अगर 1100 ml ब्लड की बात हो रही है, तो रफली एक बात कर रहे हैं कि 1/5 पार्ट ऑफ द ब्लड, जितना ब्लड एक बार में पंप हो रहा है हार्ट से, उसका कितना 1/5 पार्ट ऑफ द ब्लड किडनी जो होती फिल्ट्रेशन, किडनी के फिल्ट्रेशन के लिए आता है और किडनी उसको फिल्टर करती है। एक बात आपको पता होगा कि कार्डियक आउटपुट जो होता है, कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है हार्ट बीट इनटू, और हार्ट बीट के बाद स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है, हार्ट बीट कितनी होती है 72, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है नियरली 70 ml होता है। तो ये पूरा हमारे पास आता है 5040 ml ब्लड पर मिनट की बात हो रही है। तो ये कार्डियक आउटपुट होता है, इसको हम नियरली कितना मान लेते हैं 5000 ml, मतलब ये 5 लीटर ब्लड की बात हो रही है पर मिनट में। तो अगर हम देखें कि 5000 ml ब्लड जो है, 5000 ml ब्लड का 1/5 पार्ट है वो नियरली आता है 1000 ml। तो एक रफली डाटा है कि जो किडनी है वो, दो किडनी से जो ब्लड पास होता है वो 1100 से 1200 ml ब्लड पर मिनट पास होता है और उसको किडनी फिल्टर करती है। तो हम बात करते हैं कि फिल्ट्रेशन ऑफ जो ब्लड होता है वो 3 लेयर्स के द्वारा होता है। उसमें 3 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। दूसरी होती इपिथिलियम ऑफ बाउमेंस कैप्सूल की इपिथिलियम होती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन देम। अगर मैं एक रफली डायग्राम बनाऊं तो आपको पता होगा कि यहाँ से मान लिया बाउमेंस कैप्सूल है और इस बाउमेंस कैप्सूल में इपिथिलियम, ये है इपिथिलियम ऑफ बाउमेंस कैप्सूल, और यहाँ पे ये आता है ग्लोमेरुलर कैपलरी। तो ये ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस की अपनी लेयर, बाउमेंस कैप्सूल की अपनी इपिथिलियम, और इन दोनों के बीच की ये स्पेस जो है, तो थ्री यहाँ पे 3 लेयर्स बन जाती हैं जिसके द्वारा ब्लड फिल्ट्रेशन होता है। तो अगर ब्लड फिल्ट्रेशन की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं तो आपको एक डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन भी याद होनी चाहिए जो कि जिसमें 3 मेजर लेयर्स पाई जाती हैं। जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं वहाँ पे देखते हैं थिन स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपलरी होती है और बेसमेंट सब्सटेंस होता है उन दोनों के बीच में। तो ये वहाँ की बात आ गई, रिकॉल अगर आपको हो रहा है तो आप वहाँ से रिकॉल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो बाउमेंस कैप्सूल में पोडोसाइट्स पाई जाती हैं। मैंने पिछले वीडियो में इसके लिए बात करी थी कि पोडोसाइट्स क्या होती हैं, वहाँ फिल्ट्रेशन स्लिट्स पाए जाते हैं जिससे क्या होता है ब्लड फिल्ट्रेशन में बहुत इजीली ब्लड फिल्टर्ड हो जाता है। तो होता क्या है कि अगर हम ब्लड फिल्ट्रेशन की बात करें
तो यहाँ से ब्लड में जितने भी चीज़ें होती हैं, नियरली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड फिल्टर्ड थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन। सो दिस इज कंसिडर्ड दिस प्रोसेस कंसिडर्ड एज अ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहने का मतलब ही होता है कि इसमें सारी की सारी चीज़ें छन जाती हैं, और वहाँ से हम बात करते हैं कि अगर प्लाज्मा प्रोटीन को हम छोड़ दें। परमेबिलिटी की बात करते हैं कि परमेबिलिटी अब जो ग्लोमेरुलस कैपलरी, जो ये वाली कैपलरी है रेड कलर से जो बनी हुई है, तो ग्लोमेरुलर कैपलरी की जो परमेबिलिटी होती है ये 100 to 500 टाइम्स ज़्यादा होती है परमेबिलिटी नॉर्मल ब्लड कैपलरी से। तो ब्लड कैपलरी तो ऑलरेडी परमेबल होती है, लेकिन इस ग्लोमेरुलर कैपलरी की जो परमेबिलिटी होती है 100 से 500 गुना ज़्यादा होती है नॉर्मल से। अब बात करते हैं GFR की, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर मिनट, 1 मिनट में जो भी अमाउंट फिल्टर्ड होता है उसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें तो उसमें 125 ml पर मिनट होता है। अगर इसको देखा जाए दैट इज़ 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे। मतलब एक एक दिन की बात करें तो एक दिन में कितना ब्लड फिल्टर्ड हो जाता है? 180 लीटर ब्लड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। अगर इसको हम ऐसे देखें कि 1 मिनट में 125 ml ब्लड फिल्टर्ड हो रहा है, अगर एक दिन की बात करें, एक दिन में कितने, यहाँ पे एक दिन की बात बोलें, 24 घंटे लेके बात करेंगे, 24 घंटों को हम मिनट में बदलते हैं, तो 125 × 24 × 60 अगर ये देखा जाए तो ये हमारे पास आ जाता है करीब 180,000 ml। इसको अगर हम लीटर में बदलें तो आपको क्या करना है, इसको लीटर को बदलने के लिए 1/8/1000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका जो वैल्यू निकल के आती है वो 180 लीटर पर डे निकल के आती है। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप अब सोचिए कि आप 180 लीटर जो कि ग्लोमेरुलर फिल्टर होके आ रहा है, वो 125 ml पर मिनट की बात है और 180 लीटर पर डे की बात है, और आपको एक दिन में आप जो यूरिन पास आउट करते हैं नियरली 1.5 लीटर के आसपास होता है। अगर आपको 180 लीटर अगर यूरिन पास करना पड़ जाए तो आपके बॉडी में कितना वाटर बचेगा और आपको कितना टाइम यूरिन पास करने में लगेगा, इसका अंदाज़ा शायद आप लगा पाएँ। बट हम जो यूरिन पास आउट करते हैं वो 1.5 लीटर पर डे, ये क्या होता है, रिलीज्ड या पास आउट करते हैं। मीन्स नियरली 99% फिल्ट्रेट आता है वो क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। फिल्ट्रेट क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब नियरली 178.5 लीटर जो होता है फिल्ट्रेट वो क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है बाय द रीनल ट्यूब्यूल। ये रीअब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो रीअब्जॉर्प्शन जो होता है, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है। जब मैं रीअब्जॉर्प्शन की बात करता हूँ, मतलब अगर हमने हमने खाना खाया और खाना खाते समय हमने वाटर लिया, अब वाटर हमारे इंटेस्टाइन में क्या हो गया, एब्जॉर्ब। जब पहली बार ये हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, लेकिन फिर से बॉडी में ही ये यहाँ पे क्या हो रहा है, दोबारा एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसे कहते हैं री एब्जॉर्प्शन। तो ये री एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद ये री एब्जॉर्प्शन जो होता है ये या तो एक्टिव होता है या पैसिव होता है। कहाँ एक्टिव होता है कहाँ पैसिव होता है ये बात करेंगे। अगर मैं PCT की बात करूँ, PCT प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, PCT में अगर मैं देखा जाए PCT में ग्लूकोज, क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जैसे आप ये समझ लीजिए कि आप ट्रेन जब आती है और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, अब ट्रेन के दरवाजे के सामने खड़े हो जाइए, आपको ट्रेन में जाना भले ही नहीं है लेकिन आप ट्रेन के दरवाजे के सामने खड़े हैं तो भीड़ आपको धक्का मार के अंदर पहुँचा देगी।
कुछ उसी तरह पीसीटी में होता है, सॉरी यहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब होता है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में होता क्या है कि कुछ तो ज़रूरी चीज़ें जो छननी चाहिए वो तो छनती ही हैं, लेकिन यहाँ फिल्ट्रेशन रेट इतना ज़्यादा होता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ना यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें भी छन जाती हैं, बेसिकली ज़रूरी चीज़ें छन जाती हैं बेवजह, जिनको हमें यूरिन में पास आउट करना नहीं है, इस वजह से हम इसको रीऑब्जर्व करते हैं और पीसीटी में। जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गई, सोडियम हो गया, हम इनको ग्लूकोज को, अमीनो एसिड्स को, सोडियम को जितना पीसीटी में आया सारा का सारा पीसीटी में यहाँ पे क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाई एक्टिवली, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो पीसीटी में ग्लूकोज अमीनो से सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिव होता है, जबकि नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं, नाइट्रोजनस बेस जितने भी होते हैं वो रीअब्जॉर्ब होते हैं बाई पैसिव। एक्टिव पैसिव का मतलब तो समझ रहे होंगे कि एक्टिव में क्या होता है, एटीपी मतलब एनर्जी की नीड होती है, पैसिव में ऐसा कुछ नहीं होता है। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन जो ट्यूब्यूल सेल्स होती हैं वो सब्सटेंस सेक्रेट करती हैं, जैसे कि एच प्लस, के प्लस, अमोनिया, ये सेक्रेट करती हैं, और सेक्रेट करके किसमें डाल देती हैं, ये नेफ्रॉन के अंदर पहुंचा देती है जहाँ फिल्ट्रेट होता है, तो उसे कहते हैं ट्यूबुलर सेक्रेशन। जो ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, जो कि हेल्प करता है आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूड के, बॉडी फ्लूड के लिए। ओके, तो जो ट्यूबुलर सेक्रेशन है, ये ट्यूबुलर सेक्रेशन, ट्यूबुलर सेक्रेशन, जो ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव डिफ्यूज़न, पैसिव डिफ्यूज़न दैट इज नोन एज एक्टिव ट्यूबुलर सेक्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव डिफ्यूज़न। बात करते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की, या इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है और कैसे जनरेट होता है ग्लोमेरुलस में, जिससे कि ग्लोमेरुलस अफेक्टेड बाई द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये सब अफेक्ट करते हैं ग्लोमेरुलस के नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को। तो उसको हम वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है, हम बात करते हैं कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अफेक्टेड बाई, तो किस किस चीज़ से अफेक्ट होता है। पहला आता है हमारे पास जिसे कहते हैं GHP, GHP फुल फॉर्म है इसका, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये मेन प्रेशर है जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर या इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर काज करता है, इसे इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर भी बोलते हैं। ये होता है 60 mm ऑफ HG, 60 mm ऑफ HG होता है। इसके बाद बात आती है कि ये 60 mmHg कैसे हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे भी बात कर रहे थे, ये बाउमेंस कैप्सूल था, अंदर ग्लोमेरुलस था, अंदर क्या था, ग्लोमेरुलस था, और हम ये हमें पता है कि जो एफरेंट आर्टेरियोल आता है इसका डायमीटर ज़्यादा होता है इफरेंट से। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है और यहाँ निकलने वाला ब्लड, इसका डायमीटर कम है और इसका डायमीटर ज़्यादा आ रहा है, कम निकल रहा है यहाँ से, तो यहाँ एकुमुलेशन ऑफ द ब्लड हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है। तो जो हमारे पास ये ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो जब बढ़ जाता है, जिस वजह से इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 60 mm ऑफ HG। अब बात करते हैं ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सेकेंड, ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या होता है, ये प्लाज्मा प्रोटीन के कारण होता है। जैसे कि आप अगर बात करें कि आप एक छन्नी लें, इस छन्नी में, छन्नी में पोरस छन्नी लें, इसमें आप पानी डालें,
जब आप पानी से इसको छानेंगे तो पानी बहुत इजीली छन जाएगा, लेकिन अगर आप चाय जब छानते हैं तो चाय पत्ती होती है उसमें, तो उसमें चाय पत्ती के पार्टिकल होते हैं, तो वो छनता तो है लेकिन ये वाटर ज़्यादा आसानी छनता है छन्नी में, और चाय उतनी आसानी से नहीं छनती, क्योंकि उसमें क्या होता है, चाय पत्ती के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कुछ इसी तरह यहाँ पे होता है, क्या ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर में होता क्या है कि यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन आ जाती है, जो कि यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन आके छोटे छोटे इकट्ठा हो जाती, तो जो प्रेशर होता है वो तो होता है, लेकिन ये फिल्टर होने वाला जो फिल्ट्रेट है वो उतनी आसानी से थोड़ा सा रजिस्ट महसूस करता है, यहाँ पे रजिस्टेंस आ जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 32 mm ऑफ एच जी होती है, आपको याद करनी पड़ेगी, 32 mm ऑफ एच जी होती है। ओके, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इन द ब्लड ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी इट रजिस्ट द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 32 mm ऑफ एच जी। थर्ड आता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, सी एच पी, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इट इज़ ड्यू टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन बाउमेंस कैप्सूल, जैसे कि यहाँ पे जो भी छन के आ रहा है तो यहाँ पे अगर भर जाएगा, सपोज दैट आप एक छोटा सिलेंडर लें, एक बड़ा सिलेंडर लें, जो सिलेंडर छोटा होगा वो पूरा तरह खाली है और आप उसको फिल करें बड़े वाले सिलेंडर से, गैस उसमें कन्वर्ट डालें, तो क्या होता है उसमें बहुत तेज़ी से गैस अंदर जाएगी, लेकिन उसमें ऑलरेडी अगर 2 किलो गैस भरा हुआ है या 1 किलो गैस उसमें भरी हुई है, तब आप जो गैस उसमें ट्रांसफ़र करेंगे बड़े सिलेंडर से वो उतनी तेज़ नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहाँ से ये रजिस्ट करेगा उसको। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आता है भर जाता है आगे, तो ये एक प्रेशर क्रिएट कर देता है, तो अल्ट्रा फ्रेश जो फिल्ट्रेशन होता है उसमें उसको रजिस्ट करता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 18 mm ऑफ एच जी होती है। अब बात करते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है, अगर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की आप बात करते हैं या इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर की आप बात करते हैं, तो टोटल GHP जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर था जो सबसे ज़्यादा था, GHP जो रियल में हो रहा था लेकिन उसको रजिस्ट कौन कौन कर रहे थे, COP प्लस CHP, ये दोनों उसको रजिस्ट कर रहे थे। इसकी वैल्यू ऑफ 60 थी, माइनस इसकी वैल्यू थी 32 प्लस इसकी 18, आठ, ये तो आप जोड़ें ये आ जाएगा कितना, 8 to 10, 3 1 4 1 5, 50। तो अगर आप 50, तो ये यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, 10 mm ऑफ एच जी, मतलब जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकल के आता है वो कितना होता है, 10 10 mm ऑफ एच जी, इतना रियल में होता है। ओके, तो ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। इसके बाद जो किडनी होती है, ये किडनी टोटल जितना ब्लड फ्लो होता है बॉडी में उसका 20 से 25% जो ब्लड होता है कार्डिक आउटपुट का, मतलब बात करें 20 to 25%, फिर से लिखते हैं इसको, 20 to 25% जो ब्लड है कार्डियक आउटपुट का, नियरली कितना, दैट इज 1250 ml पर मिनट, इसको हम बोलते हैं रीनल ब्लड फ्लो, ये किडनी रिसीव करती है 1 मिनट में। जितना भी कार्डियक आउटपुट है उसका 20 से 25% कितना होता है, 1250 ml जो किडनी रिसीव करती है पर मिनट, इसे कहते हैं रीनल ब्लड फ्लो। ओके, बात करते हैं अगर कार्डियक आउटपुट देखा जाए तो हमें अभी पता ही है 5000 ml, इसका 20% कितना होता है, 1000 ml, इसका 25% की बात करें, 25 upon 100, तो ये कितना जाएगा, 1250 ml। तो किडनी कितना ब्लड रिसीव करती है कार्डियक आउटपुट का, 1250, जो कित परसेंट में निकालेंगे कितना आएगा, 20 to 25%। ओके, पर
मिनट की बात हो रही है। तो रीनल प्लाज्मा फ्लो, सॉरी रीनल प्लाज्मा फ्लो RPF, इसको रीनल ब्लड फ्लो या रीनल प्लाज्मा फ्लो, सॉरी आई हैव दिस वैल्यू इज रीनल ब्लड फ्लो, बट रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या होता है? रीनल प्लाज्मा फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो जो होता है कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्लाज्मा डिलीवर टू किडनी पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्लाज्मा डिलीवर्ड टू किडनी पर यूनिट टाइम, इसकी वैल्यू होती है 55% ऑफ 1250 ml, मतलब 55/100 इंटू 1250। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये नियरली कितना आ रहा है, नियर अबाउट आता है हमारे पास 650 ml पर मिनट, ये हमारे पास रीनल प्लाज्मा फ्लो आता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वैल्यू फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है, GFR/RPF, GFR 125 ml पर मिनट और अभी RPF 650, तो ये निकल के आ रहा है 0.2, मतलब नियरली 20%। इसका मतलब ये हुआ कि 20% जो रीनल प्लाज्मा फ्लो फिल्टर होता है इन फॉर्म ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, तो हमारे पास ये फिगर है और यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं PCT पार्ट, इधर DCT। अब बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट होता है यहाँ से ब्लड आया और ब्लड यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ और यहाँ से फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है। PCT की बात करते हैं, PCT जो होता है ये PCT सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम का बना हुआ होता है। यहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम पाई जाती है, जिससे क्या होता है यहाँ का जो सरफेस एरिया वो काफ़ी बढ़ जाता है। सर जब जब हमें रीऑब्जॉर्प्शन की ज़रूरत होगी, हम ऑब्जॉर्प्शन या रीऑब्जॉर्प्शन की जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हमें सरफेस एरिया हमें बढ़ाना पड़ता है। बात करते हैं यहाँ नियरली ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, 70-80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हैं और ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, और यहाँ से वाटर का रिजॉर्प्शन होता है। तो ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 70-80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीऑब्जॉर्ब बाय दिस सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन, PCT पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में आ जाता है हमारा जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम, तो इसमें क्या होता है इनको हमें रीऑब्जॉर्ब करना होता है। तो रीऑब्जॉर्ब करने के लिए हमें एक्टिवली रीऑब्जॉर्ब होता है, यहाँ पैसिव नहीं होता है, ये एक्टिवली रीऑब्जॉर्ब होता है यहाँ से। तो जो PCT होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, pH और आयनिक बैलेंस बॉडी फ्लूड का बनाने में ये हेल्प करता है। यहाँ से कुछ सेलेक्टिव सेक्रेशंस भी होते हैं, जैसे H+ आयन प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन का, पोटेशियम आयन का और अमोनिया का सेक्रेशन भी होता है और एब्जॉर्ब होता है यहाँ से बाइकार्बोनेट। तो अब यहाँ से आप देखो ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए, वाटर होता है, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ H+, K+ और अमोनिया यहाँ से सेलेक्टिव सेक्रेशन के द्वारा इसमें फिल्ट्रेट में पहुँचाए जाते हैं, ताकि यहाँ का आयनिक और बॉडी फ्लूड का आयनिक और pH यहाँ का बैलेंस बना रहे। अब इसके बाद आती है यहाँ पे हम लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं। तो लूप पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे थिक सेगमेंट भी जो डिसेंडिंग लिंब होता है यहाँ थिक सेगमेंट पाया जाता है, जो कि कई बुक्स में अच्छी बुक्स में लिखा ये मैंने देखा है कि डिसेंडिंग लिंब जो होता है वो सिर्फ थिन सेगमेंट का होता है। तो आप इसको जान लें कि सिर्फ थिन सेगमेंट होता है और थिक सेगमेंट जो पाया जाता है वो असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले में पाया जाता है, उसमें थिक सेगमेंट भी होता है और थिन सेगमेंट भी होता है। यहाँ मैंने कंसंट्रेशन दिखा रखा है कि कॉर्टेक्स, ये हमारे पास कॉर्टेक्स ये मेडुला, जो कॉर्टेक्स रीजन होता है उसमें जो कंसंट्रेशन होता है मिली ऑस्मोल पर लीटर की बात करते हैं 300
300, क्योंकि कॉर्टेक्स वाला पोर्शन उसमें 300 होता है, लेकिन जैसे ही कॉर्टेक्स के नीचे आते हैं ये कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, 400, 600, 800, 1000, 1200 मिली ऑस्मोल, यहाँ पे भी ये मिली ऑस्मोल पर लीटर में वैल्यू दी गई है। इसका क्या रोल होता है उसके बारे में भी डिस्कस करते चलते हैं कि यहाँ से जो फ्लूड आता है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो 300 मिली ऑस्मोल होती है, तो बाहर और अंदर कंसंट्रेशन इक्वल होता है। और यहाँ से जैसे ही फ्लूड नीचे बढ़ता है डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले में, तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या होती है 400, और जो ब्लड फिल्ट्रेट फ्लो होके आ रहा है उसकी कंसंट्रेशन 300 ml। तो क्या होगा जब यहाँ से फ्लो नीचे की तरफ बढ़ेगा तो उसको बाहर के कंसंट्रेशन के इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है ताकि कंसंट्रेशन 400 हो जाए। फिर नीचे आएंगे, जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है और यहाँ पे हाइपर ऑस्मोटिक हो जाता है, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट यूरिन यहीं पे होता है बेस में, लूप ऑफ हेनले के बेस में। तो डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है परमेबल फॉर वाटर होता है, ऑलमोस्ट इम्परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। रीअब्जॉर्प्शन की बात करें, इस सेगमेंट में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है और ये जो सेगमेंट होता है सिग्निफिकेंट रोल में प्ले करता है मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी। अगर हम डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें तो डिसेंडिंग लिम्ब की बात आपको पता है परमेबल फॉर ओनली फॉर वाटर, नॉट फॉर द इलेक्ट्रोलाइट, के परमेबल नहीं होता, इम्परमेबल होता है। दिस कंसनट्रेट द फिल्ट्रेट, जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट होता जाएगा। बात करते हैं असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, जो थिक और थिन सेगमेंट होता है तो यहाँ पर ये इम्परमेबल फॉर वाटर होता है और परमेबिलिटी किसके लिए बढ़ जाती है, यहाँ पे आयंस की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ से NaCl और यहाँ से Cl- NaCl Na, तो यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब होते हैं। इसको कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजर। काउंटर करंट का मतलब क्या होता है, एक तरफ से ब्लड आ रहा है, ब्लड नहीं आ रहा है बल्कि यहाँ से क्या आ रहा है, फिल्ट्रेट आ रहा है, सॉरी ब्लड नहीं फिल्ट्रेट, तो ये फिल्ट्रेट आ रहा है, इधर से फिल्ट्रेट इधर मूव कर रहा है, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर से आ रहा है और एक इधर को जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे कहते हैं काउंटर, और एक फ्लो का करंट बन जाता है तो करंट कहते हैं, तो काउंटर करंट एक्सचेंजर बोलते हैं उसको। ओके अब बात करते हैं कि यहाँ पे आप देखें थिन सेगमेंट में क्या होता है और थिक सेगमेंट में क्या होता है, यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। Cl- आयन जो होते हैं वो पैसिव अब्जॉर्ब होते हैं, जबकि थिक सेगमेंट में जो सोडियम आयन होते हैं वो एक्टिवली अब्जॉर्ब होते हैं। मैंने रेड कलर पेन से दिखाया हुआ है ताकि आप एक्टिवली समझें इसको, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, ये पैसिव और ये एक्टिव। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप बढ़ते हैं DCT में, एक चीज़ और बताता चलूँ, यहाँ पे अगर हम लूप ऑफ हेनले की बात करें तो जैसे ही हम नीचे की तरफ बेस की तरफ बढ़ते हैं, मतलब मिडुला रीजन में नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो होता क्या कि कंसनट्रेट होता जाता है और यहाँ हाइपर कंसनट्रेशन ऑफ हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन हो जाता है, और जैसे ही हम फिर से कॉर्टेक्स रीजन की पढ़ते हैं ये डायलूट होता जाता है, यहाँ डायलूट होता जाता है और हम पहुँचते हैं DCT में। तो DCT में क्या, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम होता है अंडर कंट्रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन, अभी हम पढ़ेंगे कैसे। तो यहाँ पे मैंने दिखा रखा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, वाटर भी फैकल्टेटिव वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है, अंडर कंट्रोल होता है ADH के, या ADH के, और यहाँ पे भी सेलेक्टिव सेक्रीशन होता है, सेलेक्टिव हाइड्रोजन का, पोटेशियम आयंस का और अमोनिया का। इससे क्या होता है, यहाँ का pH और सोडियम पोटेशियम बैलेंस बना रहता है, जो यहाँ पे भी क्योंकि यहाँ कैपिलरी होती है, उन कैपिलरी में ब्लड बहता है, तो उन ब्लड ब्लड में क्या बना रहता है, वहाँ का सोडियम पोटेशियम बैलेंस और pH मेंटेन रहता है बाय द हेल्प ऑफ सेलेक्टिव सेक्रीशन ऑफ पोटेशियम अमोनिया एंड हाइड्रोजन। तो हम DCT में NaCl भी रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं, वाटर भी कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स भी कर रहे हैं, वाटर कर रहे हैं और सोडियम NaCl सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट, ये कॉर्टेक्स से इनर पार्ट ऑफ मिडुला में, कॉर्टेक्स से शुरू होता है और इनर पार्ट ऑफ मिडुला में अंदर तक होता है, पाया जाता है,
जिससे क्या होता है, इससे अब यहाँ से इसकी वजह ये है कि यहाँ से कंसनट्रेट ऑफ यूरिन बहुत अच्छे से हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे फिर से कंसनट्रेशन 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर मिलता है, और जिससे ये हाइपर ऑस्मोटिक यहाँ पे यूरिन हो जाता है हमारे पास। यहाँ से क्या होता है, जो वाटर होता है वो लार्ज अमाउंट में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे यूरिन बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाता है। और इस सेगमेंट में कुछ अमोनिया, सॉरी यूरिया भी यहाँ से एब्जॉर्ब, यहाँ से यूरिया एब्जॉर्ब होता है। तो यूरिया जो है यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है, एक्सटेंड करती है फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब। तो यहाँ से क्या होता है कि इनर पार्ट होने के कारण यहाँ पे जो कंसनट्रेशन होता है इंटरस्टिशियम में वो 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है, जिस वजह से यहाँ पे जो यूरिन आता है वो हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन हो जाता है, 4 टाइम कंसनट्रेट हो जाता है। ये 4 टाइम कंसनट्रेट हो जाता है देन द इनिशियल कंसनट्रेशन। और यहाँ पे यूरिया रीअब्जॉर्ब होती है, यहाँ वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, और यहाँ सेलेक्टिव सेक्रेशन होता है H+ और पोटेशियम का, जिससे क्या होता है बॉडी का pH मेंटेन रहता है और आयनिक बैलेंस आप ब्लड बना रहता है। तो यहाँ पे ब्लड का pH और आयनिक बैलेंस बना रहे उसके लिए यहाँ सेलेक्टिव सेक्रेशन किस चीज़ का होता है, K+ यानी पोटेशियम आयन और H+ आयन का। यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो ये था फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो वासा रेक्टर होता है, मैंने यहाँ पे एक सिंपल फिगर बनाया हुआ है जिससे आपको सिर्फ समझ में आ जाए, जो कि ये पूरे में फैला हुआ होता है नेफ्रॉन के आसपास वासा रेक्टा। इसमें डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब होता है, तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है, लूप ऑफ हेनले के पास में पाया जाता है यहाँ से ऐसे। और इसको मैंने यहाँ पे बना के आपको समझाने के लिए सिर्फ, क्योंकि वासा रेक्टा जो होता है उसका जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है उसमें Na+ और Cl- मतलब इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। आप यहाँ से डिसेंडिंग लिम्ब जो हेनले लूप का था वाटर रीअब्जॉर्ब वहाँ से होता है, लेकिन ये जो वासा रेक्टा का जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसमें क्या इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, और इसका जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। और तो यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म चलती है, इसमें इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो आ रहा था और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है जिससे यहाँ का जो कंसनट्रेशन है वो 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक मेंटेन रह पाता है बाय द हेल्प ऑफ NaCl एंड यूरिया। उसमें कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं, तो उसके लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है जिसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।